आप मोदी जी के पास शब्द नहीं है, शब्दकोश खत्म हो गया है। शमशान के नाम, कब्रिस्तान के नाम पर भी वोट ले लिया, हिंदू मुसलमान के नाम पर ले लिया, महंगाई के नाम पर ले लिया, बेरोजगारी के नाम पर ले लिया, गूंगी बाहरी सरकार के नाम पर ले लिया, यहाँ तक कि राष्ट्रवाद के नाम पर भी ले लिया। अब मोदी जी किस मुद्दे पे 2024 में चुनाव लड़ेंगे? अरे मंदिर बना रहे हैं वो अयोध्या में। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद के दीवानगी करने वाले, सोचो तो वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने हिंदू धर्म मजबूत कर दिया, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री एक धर्म का नहीं होता, आप मान लीजिए हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए है, हिंदू सम्राट है वो, हिंदू योगी मोदी, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर जल रहा है, 250 लोग जो है शिविरों में गुजारा कर रहे हैं, कितने चर्चे जो है जला दी गई है। आपकी सरकार में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, वो खत्म कर दी मोदी जी ने। जब धारा 370 हट गई, सेना का वहाँ शासन है, राज घोषित कर दिया गया, तो ये होना होगा। जब जो अधीन था, धारा 370 था, कुछ भी कर लो कार्रवाई नहीं होती थी। धारा 370 हटने के बाद सरकार और सेना जो है अपने बल में अपने कब्जे में रखती है, तो होना है मोदी जी। अब मोदी जी लौट के आए तो बताएं कि हम अमेरिका से क्या लाए हैं, उपहार लेके आएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बाइडेन योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी मस्त है, योगी जी के काम पे नोट पड़ी। योगी जी को ही देश का बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की हो या छोटा की सरकार हो या लोटा की सरकार हो, योगी जी हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं? हाँ जी, उत्तर प्रदेश से। कौन सा जिला आपका? प्रतापगढ़ है। तो आप मोदी जी को इतना कोसते हैं, योगी जी किसे इतने प्यार करते हैं? जी देखिए, योगी जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं, चाहे वो ललितपुर वाला कांड हो, हाथरस वाला कांड हो, कोई भी कांड हो। उसमें क्या न्याय मिला बेटी को? सबको न्याय मिला है, तो वो छूट गया, वैसे एक आरोपी बचा है केवल। भाई साहब, वो न्यायपालिका जो काम करेगी, लेकिन योगी जी अगर आज प्रधानमंत्री होते, मणिपुर पे तुरंत एक्शन हो जाता, देर नहीं होता। बेटियों के साथ जो हुआ, किसानों के साथ हुआ, अगर वो प्रधानमंत्री होते ना योगी जी, तुरंत एक्शन करते। हम तो चाहते हैं योगी जी को 2-3 प्रदेश का ही मुख्यमंत्री एक साथ बना दिया जाए, 2 घंटा वहाँ, 2 घंटा वहाँ, 4 घंटा वहाँ। मोदी जी बुढ़े हो गए हैं, मोदी जी झूठ बोल करके अपना जो है रिकॉर्ड। 5 काम बताइए योगी जी के। योगी जी के योगी जी महिला सशक्तिकरण में बहुत बढ़िया है, महिलाओं के न्याय के मामले में बढ़िया है। भूल से हुआ था, भूल से अचानक उसमें वो जो आरोपी छोड़ दिया गया। अरे एक दो कांड उन्नाव में प्रदेश में होता रहता है, लेकिन उन्नाव में हाथरस कांड, अपराधी के अंदर इतना दम नहीं है। अतीक अहमद को किस तरह से मारा गया है? अतीक अहमद को पुलिस संरक्षण में मारा गया, और वो धोखे, न्याय हुआ है नहीं, ये धोखे की बात है ना, धोखे। अब एक बात बताओ, कालने भी बन करके कोई आया हनुमान जी के साथ छल कर ले। वो तो कहते थे कि यूपी में बदमाश नहीं है, सब छोड़ गए उत्तर प्रदेश को, छोड़ गए हैं, बहुत सारे छोड़ गए हैं, टपक गए हैं, और 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं बदमाशों के। अच्छा, 10,000 से ज्यादा, बहुत सारे फर्जी हैं उनमें। जो फर्जी है गैर सरकार की नजर में तो सही है, आप कहते हो फर्जी ना, लेकिन सरकार ने तो मुठभेड़ में मारा है। अच्छा, बुलडोजर चलना चाहिए लग रहा है आपको? अपराधियों पर 1 नहीं 10 बुलडोजर चलना चाहिए, तभी जाके अपराध का। किस संविधान में लिखा है कि बुलडोजर चलाना चाहिए अपराधियों घर पे? संविधान में नहीं लिखा है, सरकार कानून में है। कानून पढ़े लिखे हैं आप? देखिए अदालत का पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे हो आप, ग्रेजुएट है अदालत। आप बुलडोजर कहाँ से ही बैठता है? बुलडोजर जब ये कौन सा कानून है? न्यायालय आदेश देगा कि इस पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन हमारे योगी जी दमदार हैं, छोटा गाड़ देंगे, नस्तनाबूद कर देंगे या जमीन। बीजेपी के आदमी है आप? हम आदमी, हम सत्य के आदमी हैं। कांग्रेस ऑफिस में क्या करते हो आप? हम कांग्रेस, हम सत्य के आदमी हैं, बीजेपी के। आप कांग्रेस ऑफिस में बैठकर बीजेपी की भलाई वो कैसे आप वो कर सकते हो, अच्छा बता सकते हो? हम व्यक्ति विशेष जो सत्य होता है, सत्य पर प्रकाश डालना हर अच्छे आदमी के जो है कर्तव्य होता है। आपने बड़े आसानी कर दिया डंका बजा, किस बात का कम डंका तो कांग्रेस के नेताओं को बजा था, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान को 93,000 सैनिक जनरल करियप्पा अपने चरणों में जो है हथियार बंद डाल दिया। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, 35 से हटा दिया, जो आप 70 साल में नहीं हटा पाए थे। ये धारा 370 हटाना संविधान कितने दिन की व्यवस्था थी कि हटाया जा सकता, अगर वो कानून में नहीं होता तो हटाया नहीं जा सकता। आज धारा 371 हटा दिया जाना चाहिए, धारा 370 हटा दिए, लेकिन आए दिन जितने सेना हमारी वहां मारी जा रही है, अगर यही हाल रहा, हमारे देश के जवान तिरंगे में लिपट करके आते रहे, तो मोदी जी मैं कहता हूँ ये देश की जनता आपको कभी नहीं माफ करेगी, इसे रोको। इतना आजादी के समय में हमारे देश के जवान कभी शहीद नहीं हुए जितना आजाद होने के बाद आपके शासनकाल में जवान किसान परेशान हो गए, यहाँ तक कि स्वर्ण भूषित जो गोल्ड मेडल लेकर के आई बेटी, पूरे दुनिया में अपने जिनको सिखाया गया था बेटे तुम्हें अंतिम सांस तक लड़ना है तब जा करके तुम मेडल जीत लाओगे, जिसको मोदी जी ने कहा तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटी
भी सड़क से उठवा ली गई। एक मोदी जी की भतीजी थी, उसका थोड़ा सामान पर्स गायब हो गया था, 2 घंटे के अंदर पुलिस ने खोज डाली, लेकिन हमारी बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला। आप कहोगे न्यायपालिका काम कर रही है, लेकिन ऐसी ऐसी धाराएं पास को की लगी, उसमें 5 दिन के अंदर कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन कुछ किया नहीं गया। फूलचंद जी, मोदी सरकार 9 साल बेमिसाल का प्रचार प्रसार कर रही है, वो बड़े बड़े काम बता रही है पूरे देश में अपनी। बिल्कुल, 9 साल बेमिसाल, बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार भाजपा सरकार। मोदी जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद है कि इतनी ऊंचाइयों तक महंगाई के पहुंचाया, अब तक किसी सरकार ने इतनी महंगाई नहीं पहुंचाई। मोदी जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद है कि इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी खड़ी कर दी, देश की 80 करोड़ जनता बेरोजगार हो गई है, उनको राशन देना पड़ रहा है। मोदी जी से आग्रह करूंगा कि ये डाटा आपके पास है, किनको आप 5 किलो राशन देते हो, अब उनको महीना 15 दिन का काम भी दे दो, तब जाकर देश मजबूत होगा। आए दिन हल्ला मारते रहते थे लोग भाजपा के, महंगाई ये महंगा वो महंगा, आज आप भारत का कोई आदमी नहीं कह सकता कि ये चीज़ सस्ती हो गई, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, यहाँ तक कि नेताओं ने दूध दही बच्चों के खाने पीने वाले चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया। लेकिन फूलचंद जी, महंगाई का मुद्दा है देश में लगता है आपको? क्यों नहीं महंगाई, लोग उतरा उतरा है, जब हमारे पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते होंगे, यातायात साधन कम सस्ते होंगे, किराए कम होंगे, टेटो मेटो कोई चीज़ हो जाएगा, देश मजबूत हो रहा है। देश कैसे मजबूत हो रहा है जब मुझे आपने कह दिया देश मजबूत हो रहा है? आए दिन चीन जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर लेता है, हमारे प्रधानमंत्री उस मुद्दा पर जा करके, हमारी 2 माताएं हैं, एक जवानों को जन्म देने वाली, एक भारत माता, दोनों को, लेकिन चाइना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। आज चाइना के पास 50 से लेकर 75 ICBM मिसाइलें हैं और लॉन्चर हैं, 4 पनडुब्बियां उसके परमाणुओं से लैस है, जिसकी संख्या बढ़ा करके 9 कर रहा है, सामरिक शक्ति उसकी इतनी ज्यादा है, उसके सामने भारत की शक्ति आप बता दो। मोदी सरकार राफेल ले आई देश में, सुरक्षा मजबूत हुई है देश की। राफेल ले आई, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक राफेल नहीं 1000 राफेल हमारे भारत के लोग बना सकते हैं, हमारे भारत के लोग जो है यही मिसाइल का आविष्कार करके मिसाइल मैन 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे बीजेपी सरकार वाले। सपने देखने में भाई मेरे कुछ लगते हैं क्या? सपने देखने में कुछ लगते हैं क्या? आर्थिक स्थिति कहाँ से जो है काला धन वापस ले आए हैं ऐसा कहा जाता है। हाँ, 100 दिन का भाइयों बालों में नोट बंद कर दिया। सुनो, ऐसे कहते थे 100 दिन का मुझे समय दे दीजिए, विदेशों में काला धन जमा 100 दिन के अंदर ले आऊंगा। आज कितने दिन बीत गए लेकिन काला धन की कोई चर्चा नहीं हुई। घरों में जो माँ बहनों ने 150 रुपये जमा करके रखे थे उसको काला धन बता दिया गया। वो शब्द भी याद करो, मोदी जी ने कहा था, बाद में लोगों ने कहा नहीं 15 लाख नहीं है, तो जुमला था। ये लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे होता रहेगा, देश की जनता जागरूक। गाय को गंगा को बचा रही है, हिंदुओं को बचा रही है, सबको। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है गाय को, गंगा को, वेद को, पुराण को, हिंदी मुसलमान को, सबको बचाना होगा, एक तरफा नहीं चलेगा। देश का प्रधानमंत्री सबका होता है, देश की जनता ये चाहती है, हिंदू की भी रक्षा करे, मुसलमान का भी, गीता का भी करे, पुराण कुरान का भी करे, सबकी रक्षा करे, देश की जनता संविधान ये कहता है। तो मजबूत तो कर रहे हैं देश को वो, कहाँ आप बता दीजिए किस आधार पर मजबूत कर रहे हैं बताइए। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का आजकल, मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं, स्वागत किया गया वहाँ पर। मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जो अमेरिका की यात्रा पर गए, इसके पहले भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, जितने भी सारे हुए हैं 14, ठीक है, मोदी 15वें हैं, सब यात्रा किए हैं, सब विदेश संधि ले आए हैं, व्यापार नीति को बढ़ाए हैं कि हम बेटी बचाने आए हैं, लड़कियों लड़ सकती। उत्तर प्रदेश में गई थी प्रियंका गांधी जी, आप कह रहे हैं कि बेटियों को न्याय दिलवाते हैं योगी सरकार दिलवाते हैं, कहाँ गया वो खोखला वादा जो झूठी वादे करते थे, कहाँ गया वो खोखला वादा जो झूठा नारा देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झूठा वादा करते थे। अभी आप कह रहे थे कि जो बृजभूषण है, हाँ, उनको मोलेस्टेशन के आरोप लगे, उन पे पोक्सो एक्ट लगाया गया था, और वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगीराज के उत्तर प्रदेश से ही जी आते हैं। हाँ, अभी तो आप कह रहे थे बेटी बचा रहे हैं वो, तो बेटियों पे मुकदमे क्यों, बेटियों ने मुकदमे क्यों दर्ज करवाए? नारा योगी मोदी जी ने हरियाणा से दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को, लेकिन आरोपी तो उत्तर प्रदेश का है ना, भारत का कहीं भी हो, अगर हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारा कर्तव्य है। अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई बृजभूषण की? तो सुनिए, तो आप एक सवाल का जवाब लें तो अगला सवाल करें। जब हमारे देश के
सभी बेटियां हमारी बेटी हैं, तो हमने कर दिया। अब उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था, प्रधानमंत्री कमी, अगर यही बात योगी जी के पास होती। उत्तर प्रदेश का मामला बनता है, वो गोंडा से सांसद है बीजेपी के, उत्तर प्रदेश का मामला गोंडा के हैं, सांसद हैं, ठीक है, वो अखाड़ा दल के अध्यक्ष हैं, वो भी बातें सब ठीक है, लेकिन आप घुमा रहे हो चीजों को, आप योगी को पसंद करते हो और मोदी जी को आप जो कोसते हो। योगी जी को हम ही नहीं दुनिया पसंद करती है, कार्यशैली पसंद की जा रही, मोदी कार्यशैली नहीं पसंद है ना, मोदी जी कार्यशैली नहीं पसंद है, तो देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो तो तपस्वी हैं, वो तो फकीर हैं, कहते हम झोला उठा के चल देंगे, भाई और बहनों में तपस्या में खत्म हो गए, प्रधानमंत्री की तरह रहे ना। तो योगी जी भी मठ में जाकर रहे ना, फिर योगी जी मठ में नहीं रह करके एक हाथ में लोटा एक हाथ में सोटा, योगी जी ऐसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम फकीर हैं, मोदी जी फकीर हैं ना, तो फकीर की तरह हैं, लेकिन योगी जो है एकदम वो अपने मठ संभाले ना, नहीं मठ कैसे संभालेंगे, जो है पूरे जनता ने उनको इतनी बहुमत से चुन के दिया है, योगी जी का जो है पूरे भारत में सराहनीय है। एक बाबा आ गए धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ। वो करें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाबा जी को बार बार प्रणाम, आई हिंदू राष्ट्र वो बनाए, ये उनकी सोच है, लेकिन बना नहीं पाएंगे, संविधान में ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा जी बहुत शक्तिशाली है, हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी मैं भी भक्त हूँ, बाबा जी को यहीं से प्रणाम करता हूँ। अच्छा, हाँ बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं ना। हाँ बाबा जी धर्म की, धर्म को आगे ले जाना, देश को आगे ले जाना, यही गौरव की बात होती है। आप लेकिन लोग कहते हैं कि मूर्ख बनाता है, ये पाखंडी है। आज तक कोई पत्रकार, कोई मीडिया, कोई चैनल में बाबा जी में जितना सत्य बोलते हैं, क्या सकते हैं बाबा, हम बताइए, जो वर्तमान भविष्य भूत सब अपने आप ही देख लेते, बता देते हैं, उनके सामने तो बड़े बड़े लोग जो है ना, उसके भाई पे ऐसी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो क्यों नहीं देख पाए अपनी भाई की पर्ची, वो देख लेंगे बाबा जी, क्यों नहीं देख पाए, नहीं देखे, नहीं देखे, अगर देखना चाहेंगे वो देख लेंगे बाबा जी। रेल दुर्घटना हुई थी 2 जून को उड़ीसा में जो हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमको पता था कि रेल पलटेगी, लेकिन हमने जो है बताया नहीं किसी को, क्योंकि जिस तरह से महाभारत हुआ था कृष्ण को पता था, उसी तरह हमें पता था, क्या देश को गुमराह कर रहे हैं, षड्यंत्र था इनका कोई रेलवे में। देखिए जिस कवच का पैसा लगना चाहिए वो कवच रेलवे में लगा नहीं, ये किसकी सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, सरकार उसको लगवाए, व्यवस्था जो मजबूत होनी चाहिए, डंका जिससे बजेगा, रेलवे का डंका बजेगा तो कवच लगने पर, सेना का डंका बजेगा आधुनिक हथियारों से। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 2017 में, जब उनकी सरकार चली गई तो योगी सरकार आ गई थी जी, तो वहाँ पर जो उनका ऑफिस था उसको गौमूत्र से धुलवा गया था, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को। देखिए वे शास्त्रों में लिखा गया है हर चीज़ का शुद्धिकरण होना चाहिए, हम ही अपने घर में जाते हैं तो उसका शुद्ध कराते हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी मानसिकता है। अखिलेश यादव ने गंदा कर दिया था ऑफिस, गंदा नहीं, आप नए घर में जाएंगे गृह प्रवेश होगा, शुद्धिकरण होगा, अच्छा। ना आप नई जगह जगहेंगे, आप पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, नहीं होता तो गौमूत्र से क्यों नहीं होता, गौमूत्र से करें जिसके हो, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके आप वो करो। अच्छा, गौमूत्र से एनर्जी मिलती है क्यों, अगर उनको लगा होगा योगी जी को, बताइए आपको योगी जी को लगा होगा फीलिंग उठती क्या आएगा जी की हम ये काम करेंगे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव। हाँ अच्छा, तो मतलब ये नेगेटिव एनर्जी छोड़ के गए थे अखिलेश यादव ऑफिस में, नहीं छोड़ गए थे या नहीं गए थे, हो सकता कुछ भी न रहा हो, पॉजिटिव एनर्जी अलग से आना शुरू हो जाए, कुछ शक्तियाँ दिखाई नहीं देती, जैसे चुंबक की शक्ति दिखाई थोड़ी देती है, बिजली की साइंस को नहीं मानते, मानते मान तो रहे हैं ना, बिजली की शक्ति दिखाई थोड़ी पड़ती, गौमूत्र को मानते हो, सबको मैं मानता हूँ जिसमें हमारा, साइंस को नहीं मानते, साइंस को भी मानता हूँ, गोबर को नहीं मानती, लेकिन क्यों नहीं मानते, गोबर में ऑक्सीजन नहीं होता, गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया नाशक तत्व पाए जाते हैं, यूज क्यों नहीं करते फिर आप गोबर को, कौन नहीं यूज करता, सभी हिंदू नाश्ते में लंच में क्या बात करते, कौन लेता है यार बताओ, गौमूत्र को, गौमूत्र जो है रोगी दुखी लेते हैं, ठीक है, इससे बढ़िया मल्टी एंटी ऑक्सीडेंट की सारी चीजें मिली हुई है मार्केट में। अच्छा, ये पाखंड तो नहीं है, पाखंड नहीं है, साइंस नहीं मानता इन चीजों को, साइंस भी मानता है, साइंस ने ही शुरू में बताया कि इससे जो है वायुमंडल में फैले, इसको जलाने से वायुमंडल में फैले जो है बैक्टीरिया जो है खत्म हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो गौमूत्र यूज करना चाहिए, करना चाहिए गौमूत्र, गोबर सब प्राकृतिक चीजें सभी यूज करना चाहिए, कहीं लाभ होगा कहीं हानि होगा, होगा जरूर कुछ, ये दो ही चीजें निकलेगी।